वेल दोस्तों, आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जहां मैं ऐसे कांडों के ऊपर बात करूंगा जो अभी रिसेंट मंथ में हुई है इन गेमिंग वर्ल्ड, जिसपे हम लोग अपने कुछ ओपिनियंस रखेंगे। अब वो ओपिनियन ब्रूटल भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द कांड। सो हेलो गाइस, मैं हूं जैसर, एक वीडियो गेम लवर जो बहुत से गेम रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करता है। एंड अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पे तो चेकआउट जरूर करना। अगर आपको मेरी चीजें इन्फॉर्मेटिव या इंजॉयमेंट देती है तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले चीज पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट शट डाउन 4 गेमिंग स्टूडियोज, आर्केन ऑस्टिन, अल्फा डॉग स्टूडियोज, टैंको गेमवर्क्स एंड राउंड हाउस। ना देखो, पहले बता दो, आपको शायद पता नहीं होगा इन स्टूडियोज के बारे में, तो इनके गेम्स बता देता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अल्फा डॉग स्टूडियोज, जो मोबाइल गेम्स बनाती है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2021 में एक्वायर किया था। एंड इन दोनों की मिक्स प्रोडक्ट बनी माइटी डूम 2023 में, जो की एक टॉप डाउन गेम थी फॉर एंड्रॉइड एंड iOS। तो देखो, मेरे हिसाब से ये स्टूडियो होती या ना होती तो माइक्रोसॉफ्ट को इतना फर्क भी नहीं पड़ता, एंड शायद ही लोगों को भी फर्क पड़ा होगा, बिकॉज 4 गेम्स ओवरऑल इस स्टूडियो ने बनाई है। एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जब माइक्रोसॉफ्ट ने डील करी थी, जो सबने सुना होगा, विद बेथेस्डा सॉफ्टवर्क्स, तो इन रियलिटी उन्होंने बेथेस्डा सॉफ्टवर्क्स के साथ नहीं बल्कि उसकी पेरेंट कंपनी ज़ेनिमैक्स मीडिया को एक्वायर किया था 7.1 बिलियन में, जिसके अंदर ये बेथेस्डा सॉफ्टवर्क्स आती है। एंड इस पब्लिशिंग कंपनी के अंदर ये चारों स्टूडियो आते हैं। चलो, अभी तक तो तुम्हें लगा होगा, चलो ठीक है यार, मोबाइल गेम स्टूडियो बंद हो गई, इतनी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उनकी ओवरऑल बस 4 ही गेम्स थी, तो इतना कुछ ज्यादा लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। बट अब यहाँ से स्टार्ट होती है असली नौटंकी, आर्केन ऑस्टिन। देखो, ओरिजिनली ये एक सर्टेन टीम है, फॉर एग्जांपल यूबीसॉफ्ट, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर आती है यूबीसॉफ्ट पुणे, यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल, तो ऐसे ही आर्केन स्टूडियो की एक टीम है आर्केन ऑस्टिन, जिसने रेडफॉल गेम बनाई थी, ना कि डिसऑनर्ड, प्रे, वोल्फेनस्टाइन। ये गेम्स बनाई है आर्केन लियोन ने। एंड भाई, इस पे मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल सही हुआ, ऐसे गुटट्टी कंपनीज को बंद कर देना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने रेडफॉल जैसी घटिया यूजलेस गेम को रिलीज किया था, एकदम कू गेम थी, ओवरऑल आर्केन स्टूडियो का नाम भी खराब हुआ। एंड अब देखो, इंटरनेट पे तुम्हें बहुत लोग बोलेंगे गलत किया ये वो, भाई इन दोनों स्टूडियो को बंद किया बिल्कुल सही किया, ना प्रॉफिट दे रही थी ना कुछ काम के थे ये कंपनीज, बस नाम खराब कर रहे थे। ना अब चलते हैं उस स्टूडियो पे जहां चीजें सीरियस होनी स्टार्ट हो गई, टैंको गेमवर्क्स, जिसने द एविल विथिन मास्टरपीस सीरीज बनाई, हाईफाई रश शानदार गेम बनाई, एंड एक मीडियोकर गेम होस्टवायर टोक्यो। देखो, ये स्टूडियो बंद नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ मैं बिल्कुल साथ नहीं हूँ माइक्रोसॉफ्ट जैसे थर्ड क्लास महाटट्टी कंपनी के, बिकॉज ये स्टूडियो के गेम्स ने इनको अवार्ड्स भी लाके दिया और इनको प्रॉफिट भी लाके दिया, बट आई डोंट नो व्हाई इन्होंने ये बंद क्यों कर दिया। और बैन करने के एक वीक बाद बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के हेड कि यार हाईफाई रश जैसे और गेम्स बनाने चाहिए माइक्रोसॉफ्ट को। बताओ भाई, तुम ही लोग बताओ, कोई सर पैर है इन बातों का? देखो भाई, इनका दिवाला निकल गया था जब सीरीज इन्होंने गोक ओवर करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल ही होते जा रही है। और भाई, गांजा पी के इनके टीम मेंबर्स उल्टे सीधे हरकतें करेंगे। नाउ लास्ट स्टूडियो पे चलते हैं, देन इट्स राउंड हाउस स्टूडियो, जो पहले थी ह्यूमन हेड स्टूडियो, एक्विजिशन के बाद नाम चेंज कर दिया उन्होंने, एंड ये स्टूडियो टेक्निकली बंद हुई है बट फिजिकली नहीं। उनके टीम मेंबर्स अब एक न्यू गेम के साथ उसी के पेरेंट कंपनी यानी कि ज़ेनिमैक्स ऑनलाइन स्टूडियो के साथ अब जुड़ चुके हैं, एंड वो अब कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे। वेल देखो भाई, मैंने थोड़ा और रिसर्च किया इस स्टूडियो के ऊपर, तो मैंने एक भी गेम इनके स्टूडियो से नहीं खेला था। देखो, आपको पूरी डिटेल मैंने दे दी, एक्चुअल सीन हुआ क्या था। अब देखो, इसके पीछे बस एक ही रीजन है, उन्होंने बताया कि जब लास्ट ईयर उन्होंने 70 बिलियन की डील पुल ऑफ करी विद एक्टिविजन ब्लिज़र्ड, तो उसमें उनके बहुत से पैसे स्पेंड हो गए, जिसके कारण माइक्रोसॉफ्ट सस्टेन नहीं कर पा रही है और वो स्टूडियोज बंद कर रही है। अब देखो, एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीजें तीन स्टूडियो के लिए जिन्होंने ऐसा कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, तो इनको बंद करना मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन है। बट गलत बात हुई क्या, टैंगो गेम्स को इन्होंने बेफालतू का बंद कर दिया। एंड भाइयों, इसी रीजंस के साथ मैं 60% माइक्रोसॉफ्ट के साथ हूँ, क्योंकि भाई गू गेम बनाने वाले को कुत्तों की तरह रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारने चाहिए। वेल, एंड ऑफ द डे माइक्रोसॉफ्ट की इज्जत बस उसके गेम पास की वजह से है, वरना भाई 1% भी इनको कोई ना पूछे। अब देखो भाइयों, तुम्हें मेरे वर्ड्स कुछ हार्श लगे होंगे, मैंने माइक्रोसॉफ्ट को इतना बोला, बट तुम ही देखो यार, रिसेंट ईयर्स में क्या ही तुम्हें मिला है। गेम पास अगर माइक्रोसॉफ्ट से हटा दो तो शायद ही लोग उसे पूछेंगे, एंड इट्स द ओनली रीजन कि भाई ये कंपनी डाउनफॉल में ही होते जा रही है और ये खुद तो जा ही रही है, प्लस एक्सबॉक्स को भी ले डूबे जा रही है। खैर, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
PSN account scene on Helldivers 2. So let's start from the beginning. Helldivers 2 IPC पे बहुत ही ज्यादा massive success हुई, जो सोनी की आंखों में चुभ रही थी कि भाई गेम इतनी ज्यादा कमाई कैसे कर रही है, बट मेरे को बहुत कम पैसे दे रही है। एरोहेड मेरे को करेक्ट डेटा चाहिए। बेसिकली इनका जी जल रहा था इनकी खुद की पब्लिश्ड गेम से, तो इन्होंने PSN अकाउंट लिंक मैंडेटरी करवा दिया। नाउ बिफोर वी गो फर्दर, ये PSN अकाउंट क्या है और वो ब्लॉक क्यों है इतने कंट्रीज में? तो देखो, जहां जहां सोनी ने, जो कि एक चिरांड कंपनी है, पैसे देने से मना कर दिया, इन शॉर्ट टैक्स के इशू समझ लो, और इजी शब्दों में कहूं तो यार कंट्री को पैसे नहीं दिए उनके वर्किंग को चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने इनके ऑपरेशंस को बंद कर दिया या फिर कह लो ब्लॉक कर दिया। इसी कारण से PSN के ऑपरेशंस रोक दिए गए। अब देखो, यहां बहुत लोग बोल सकते हैं शायद सिक्योरिटी इश्यूज के कारण है, तो देखो दोस्त, इस चीज का सॉलिड एविडेंस नहीं है जिससे ये कह सकते हैं। ये चीजें बस अजम्पशन है जो कि लोगों ने बनाया है। यहां क्या था, तो देखो PSN ने एक ऑनलाइन सर्विस प्ले स्टेशन की, जहां पे आईडी होती है उसके साथ अचीवमेंट सिचुएटेड होते हैं एंड ब्ला ब्ला की चीजें, टेक्निकली स्टीम आईडी, एक्सबॉक्स आईडी, जो कि सेम है PSN आईडी की। एंड एट दिस पॉइंट मैं गलत हो सकता हूं भाई, क्योंकि मेरे पास प्ले स्टेशन नहीं है ताकि मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल लगाऊं, क्योंकि आप लोग सुपर थैंक्स ही नहीं देते यार गरीबों को। वेल दोस्तों, अगर मैं यहां पे गलत हूं तो यार प्लीज मेरे को करेक्ट कर देना। बट लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। जब PSN मैंडेटरी हुआ Helldivers 2 गेम में, तब वो चीजें टेक्निकली ब्लॉक्ड थी बहुत ही ज्यादा कंट्रीज में, तो रिजल्ट क्या हुआ, उन कंट्रीज में गेम चलना बंद हो गई। फिर हुई रिव्यू बॉम्बिंग। 2 दिन के अंदर सोनी ने ट्वीट किया जिसका मेन पॉइंट था कि वो अकाउंट लिंकिंग रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ चीजें वापस दोबारा से सही होने लगी थी, लोगों को लगा वो जीत गए एंड रिव्यू वापस सही हो गए, बट देन उसके कुछ नोटिस ही नहीं आए और अकाउंट लिंकिंग प्रॉब्लम स्टिल 170 कंट्रीज में सफर कर रही है। एंड अभी जो सिचुएशन है, अभी तो कुछ कंट्रीज ने इसे ओपन कर दिया है, बट स्टिल बहुत से कंट्रीज ने ब्लॉक कर रखा है। तो यार उस हिसाब से सोनी यहाँ एरोहेड की कब्र ही खोद रहा है भाई, उसको घंटा कोई मतलब है गेमर से और स्टूडियो से। देखो भाई, आई डोंट नो व्हाई इनको दिक्कत क्या होती है। अगर थर्ड पार्टी स्टूडियो गेम बनाती है, सक्सेस होती है, तो भाई नाम आपका भी तो हो रहा है कि PS ने पब्लिश करी है, प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। अब जब सब चीजें ग्रीन चल रही थी तो बीच में आके टांग अड़ा रहे हो। खैर भाई, ये कंपनी बहुत ज्यादा गे है एंड भाई बिचवा वाला हरकते इनके बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका प्ले स्टेशन नहीं है भाई, गे स्टेशन है। देखो भाई, मेरे को इनके गेम से कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे पॉइंट क्लियर कर दूं मैं, इनकी कंपनी से मेरे को दिक्कत है, इनके जो कंपनीज की जो हरकतें हैं उससे मेरे को दिक्कत है। प्ले स्टेशन के जो एक्सक्लूसिव होते हैं वो तो भाई मास्टरपीस है, बट जो इनके हरकतें हैं, जैसे अभी Helldivers 2 के साथ किया, वो भाई कोई भी उसका जस्टिफिकेशन नहीं है इनके पास अभी तक। और ये चीजें इनको भी पता है, तभी एक्सप्लॉइट करते हैं गेमर्स को, क्योंकि उन्हें पता है हम जितना भी करें लोग लेंगे आखिर PS के ही गेम्स एंड खेलेंगे ही उसके एक्सक्लूसिव्स, चाहे वो कंपनी कितनी ज्यादा गे क्यों ना हो। तो यार दैट्स इट फॉर दिस पॉइंट। अब चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। Then it's EA, जो अब AAA games में अब ads लगाने की बात कर रहा है। I mean भाई, ये इतना ज्यादा पैसों का भूखा होते जा रहा है कि यार जिस चीज की कोई लिमिट नहीं है भाई, इनका क्या होगा आगे जाके, यार भगवान ही जाने। वेल, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा Ubisoft के ऊपर, जिसने द डिविजन हार्टलैंड कैंसिल कर दिया, जो कि फ्री होने वाली थी, एंड उसके पीछे का रीजन बताया उन्होंने कॉस्ट कटिंग। भाई कितना दोगली बात है ये, बेफालतू की बात। अरे भाई, जब कॉस्ट कटिंग करनी है तो भाई सबसे पहले अपने गेम की प्राइस पे करो कॉस्ट कटिंग। स्टार वॉर्स आउटलॉज भाई अल्टीमेट एडिशन की प्राइस $130 है, मतलब की भाई 10,000 भाई, और PC पे 9,000 की मिलेगी। यार जितनी बेस प्राइस 4900 भाई, इतनी होनी चाहिए थी अल्टीमेट की प्राइस, और बेस गेम की प्राइस अराउंड 3.2K की। इतना ज्यादा पैसे फॉर गेम्स देगा कौन भाई? एंड Ubisoft एट दिस पॉइंट पूरा पगला गया है भाई, कोई सेंस नहीं बनाता इनकी प्राइस पॉइंट्स का। एंड भाई देखो, इनका भाव क्यों बढ़ा हुआ है, लोग इनकी गेम्स को खेलेंगे ही। एंड ऐसा हुआ है, Skull and Bones कितनी गंदी गेम थी, बट स्टिल लोगों ने बाय किया और खेला। एंड ऐसी हरकतें देखते हुए भाई, मैं बस कहना चाहूंगा एट दिस पॉइंट Ubisoft के गंदे गेम्स को सपोर्ट करने वाले को भाई मर जाना चाहिए। अब भाई देखो, ये बस मजाक था, कोई सीरियस मत लेना। और भाई क्या नखरे दिखाते हैं भाई ये Ubisoft वाले, कॉस्ट कटिंग के नाम पे ये लोग बहुत सी गंदी गंदी चीजें करते हैं, और ये सारी कंपनीज की ही हालत सेम है, कोई भी दूध का धुला नहीं है जितने भी बिग कंपनीज है, AAA वाले स्टूडियोस। खैर भाइयों, आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर शेयर करना, एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।